हेलो गाइस, वेलकम टू डेयरपो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईपीएसपीए का जो फर्स्ट डे का एग्जाम था वो ओवर हो चुका है कि नहीं है। तो अभी बहुत बच्चों को लग रहा है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मुझे मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उनको मेंस के प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करे उस बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस पीयू में टोटल 5 सेक्शन होता है, ठीक है। 5 सेक्शन, फर्स्ट क्या होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका क्वांटिटी, वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं होता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। चार नंबर आपका इंग्लिश, एंड जो 5 नंबर सेक्शन होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। अभी देखिए रीजनिंग, अगर यहां पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले यहां पे एक सिंपल सा बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आईबीपीएस पीओ, अगर आपको आईबीपीएस पीओ क्लियर करना है तो आपको 3 सेक्शन में कमांड लाना ही पड़ेगा एनी हाउ। आप बोलेंगे सर कौन सा सेक्शन है, इसमें फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव। ये 3 सेक्शन में आपको कमांड लाना ही पड़ेगा। अभी आप लोगों से और एक क्वेश्चन है, तो सर रीजनिंग और क्वांट का क्या रोल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 60 मार्क्स होता है, जीए में 40 मार्क्स, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में भी 60 मार्क्स होता है, इंग्लिश में 40 मार्क्स होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव में ओनली 25 मार्क्स। देखिए यहां का अगर मैं बात करूं, ये जो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा ये दोनों पेपर डुएबल, उतना ज्यादा डुएबल नहीं होता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो जीए होता है, जीए इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव, ये 3 सेक्शन डुएबल होता है, ये 3 सेक्शन आपको अच्छा खासा स्कोर दिला सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्वांट, आज मैं आप लोगों के साथ क्वांट के बारे में एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव है इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि इसमें फॉर्मल लेटर्स होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है, उसके साथ ऐसे राइटिंग होता है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, उसके टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट की टॉपिक्स क्या 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 आने का चांसेस है, हर चीजों के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग मेंस के लिए रीजनिंग एंड क्वांट को किस तरह प्रिपेयर करें आज उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका सेक्शनल कट ऑफ क्या था, बिकॉज वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग बोलोगे सर आप हरदम सेक्शनल कट ऑफ क्यों देखते हो, देखिए सेक्शनल कट ऑफ अभी अगर बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बोलेंगे कि मेरा रीजनिंग अच्छा हुआ, मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ, मेरे लिए डीआई टफ था, कोई बोलेगा मेरा जीए टफ था। लेकिन अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ देखता हूँ, सेक्शनल कट ऑफ में ओवरऑल आपको ये बता देगा कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ था एंड कौन सा सेक्शन ज्यादा थोड़ा सा ईजी था, ठीक है। अभी अगर देखिए रीजनिंग का बात करूँ, आउट ऑफ 60 अगर मैं यूआर का बात करता हूँ, ओनली 7 कट ऑफ किया है, आउट ऑफ 60 ओनली 7 कट ऑफ, दैट मीन्स पेपर क्या था, डिफिकल्ट था, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश बोलता हूं तो इंग्लिश आउट ऑफ 40 15.5 कट ऑफ, दैट मीन्स पेपर मॉडरेट था। अगर 15.5 अगर कट ऑफ जा रहा है, सेक्शन कट ऑफ, दैट मीन्स बच्चे अटेम्प्ट 20 प्लस कर पा रहे हैं, पॉसिबल है अटेम्प्ट करना, 25 लाना भी पॉसिबल है एंड नियर बाय 30 लाना भी पॉसिबल है, ठीक है। अभी देखिए डीआई का, देखिए डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का हालत देखिए, लास्ट ईयर 60 में से 2.25, दैट मींस पेपर का हालत बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ था, बच्चों से अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अभी देखिए जीए का अगर बात करूं, बाय डिफॉल्ट जीए का कट ऑफ उतना हाई जाता नहीं है, आउट ऑफ 40 4.5 मोटा मोटा ठीक ठाक है। अगर डिस्क्रिप्टिव का बात बोलूं, डिस्क्रिप्टिव देखिए 10 कट ऑफ रहा आउट ऑफ 25, तो यहाँ पे अगर मैं क्वांट की बात करूँ, ये क्वांट का अगर मैं बात करते हैं, क्वांट में जो 100% होगा मार्क्स, उसमें से 20% डुएबल सबके लिए होगा, और ये 20% आपको ढूंढना है। तो बच्चे क्या होता है, ये जो 80% है, ये 80% को आपको
टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको टेक्निकली हैंडल कर पाते हो, ये जो रिमेनिंग 80% होगा, तो यहाँ से आपको थोड़ा मोरा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये जो 20% है, ये 20% डुएबल सबके लिए होता है, लेकिन बच्चे ये 80% में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि ये 20% ढूंढ ही नहीं पाते। सिंपल से अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग आउट ऑफ 100% मार्क्स 25% डुएबल होता है सबके लिए, एंड रिमेनिंग 75% होता है, ये होता है थोड़ा सा स्मार्टली इसको हैंडल करना होता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी बच्चों को जाना से तब प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें, पेड कोर्स ले ले क्या, कौन सा कोर्स ले, कौन सा चीज ले हम लोग के लिए अच्छा होगा। देखिए, मैं पेड कोर्स उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पहले से भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मैं पेड कोर्स उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्वांट में डीआई के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे बोला जाएगा कि यही एग्जैक्टली वीडियो एग्जाम में आया था, एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर, वैसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, वैसा पॉसिबल नहीं होता। आप अगर एग्जाम हॉल में अगर जाते हो, आप देखोगे, अगर आप जो मेंस प्री का दूसरा चीज है, देखिए प्री का दूसरा चीज है, मेंस का जो क्वेश्चंस होता है वो ही इतना बड़ा बड़ा होता है कि आप इतना ज्यादा क्वेश्चंस मतलब मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर दूसरा थिंग का बात बोलूं कि मेंस में आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो दोनों ले लिया जाता है, ठीक है, और दोनों एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका प्री का और मेंस का दोनों का ही एडमिट कार्ड आपका ले लेगा, वो लोग सबमिट कर लेगा। तो इन दैट सिनेरियो आप अगर नोट डाउन भी करते हो, उसको लेके आना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आपका जो रफ शीट होगा, रफ शीट भी ले लिया जाता है, अगर वो भी आप चाहो तो नहीं, तो आप लोगों को ये बोला जाएगा कि एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर, तो वैसा होता नहीं है, और वो क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है कि क्वेश्चन आप इजिली मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन स्टिल मैं आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन देखिए क्वांट में ये जो 20% है, ये जो 20% है, ये 20% में से कौन सा चीजें किस तरह आपको डील करना है, इसके बारे में हम लोग जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लास्ट ईयर को पेपर्स में कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर्स में कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ठीक है। देखिए, डबल पाई चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन आया था, रन परसेंट इन स्ट्राइक रेट मीन्स क्रिकेट के ऊपर, जहां पे कितना मार्क्स थे, 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है, मार्क्स नहीं 5 क्वेश्चंस थे। रॉन्ग नंबर सीरीज पे 3 क्वेश्चंस थे, उसके एरिथमेटिक पे 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। टेबल फॉर्मेट पोएम स्टोरी कुछ डीआई था जहां पे 5 क्वेश्चंस थे, आपका बोट इन स्ट्रीम का डीआई था जहां पे 4 क्वेश्चंस था, टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चंस था, पार्टनरशिप 2 क्वेश्चंस, मेंशुरेशन 2 क्वेश्चन, डाटा साफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखिए किस तरह आपको ये चीजों को हैंडल करना है, आपको टारगेट करना है कुछ छोटा छोटा चीजों को, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन का मार्क्स 1.5 भी है, 1 भी होता है एंड 2 भी होता है, तो आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चीजों को हैंडल करना है। एंड आपका टारगेट देखिए 60 60 का 20% कितना होता है, 12 मार्क्स, तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ये जो होता है डाटा सफिशियंसी, ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा स्मार्टली आगे कर, तीन अगर है, तीनों में तीन बनाना पॉसिबल नहीं आता है, 1 या 2 आप आराम से बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मेंसुरेशन का अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मेंसुरेशन एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं बना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो बनता है, वो उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अगर आया है तो यहाँ पे एक आपको बनाने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, ये तो हो गया छोटे छोटे चीजें, उसके बाद अगर एरिथमेटिक की बात करूं, 8 एरिथमेटिक था, 1 या 2 तो बनने लायक क्वेश्चंस रहेगा ही, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। रॉन्ग नंबर 3 था, एक आपको ट्राई करना है, लेकिन इसका पैटर्न प्री का जैसा नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ठीक है। अभी अगर सिंपल चीजें मैं बताऊं आपको, देखिए सिंपल चीजें मैं अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो डीआई होता है, 1 डीआई 2 डीआई 3 डीआई 4 डीआई, ठीक है, ये जो 4 DI आपका आया है, ये 4 DI को अगर मैं बात करूं, ये 4 DI में जो अगर आपका माइंड में ये है कि मैं DI को 100% सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मान लीजिए कि एक 5 क्वेश्चंस का DI है, ठीक है, आपसे मान लीजिए यहाँ पे सारा डाटा अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए A B C X Y Z P Q R, तो पी क्यू आर मान लीजिए कि यहाँ पे ये डाटा नहीं आया, ये डाटा नहीं आया, मान लीजिए आपसे सिर्फ 2 या 3 डाटा ही अवेलेबल हुआ, जो वहां पे 6 या 7 डाटा निकालना था,
छह या सात डाटा निकला था, आपसे दो से दो या तीन डाटा ही आपको अवेलेबल हुआ। लेकिन आपको क्या करना है, वो दो तीन डाटा को ट्राई करना कि ये दो तीन डाटा जो अवेलेबल है इनसे क्वेश्चंस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो वो क्वेश्चंस को ट्राई करना है। मान लीजिए पांच क्वेश्चंस में अगर दो क्वेश्चंस भी बन जाता है वो दो डाटा से जो इजीली अवेलेबल है, तो वो क्वेश्चंस को पहले ट्राई करना है। अभी अगर मान लीजिए कि अगर उसको 100% सॉल्व करने जाओ, माइट बी सॉल्व नहीं भी हो सकता है, तो देन जो बनने वाला का दो दो क्वेश्चंस होगा वो भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए अभी ये इस तरह चीजों को आपको लेकर चलना है। ये होता है स्मार्टली अटेम्प्ट, कि 100 चीजों को 100% अटेम्प्ट करने में ना जाए, चीजों को जितना आपको बने उतना में ही अगर आपको क्वेश्चंस बन रहा है, क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, तो उसको ही ट्राई करना है। इस तरह अगर आप स्मार्टली चीजों को हैंडल करते हो तो मेरे हिसाब से आप आराम से 10 to 12 क्वेश्चन, अगर इस तरीके का पेपर भी देखने को मिलता है तो आराम से आप 10 to 12 क्वेश्चन मार्क्स का आराम से क्वेश्चन का कर पाओगे। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत बच्चे 20+ भी करते हैं। देखिए 20+ करते हैं जिन लोगों का कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोग कर पाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं उन उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर जिन बच्चों का प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो वो बच्चे अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे कर पाएंगे। बात समझ में है? अभी देखिए बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर हिसाब से, अगर मैं सेम टू सेम रीजनिंग का बात बोलता हूँ, देखिए अभी रीजनिंग में देखिए फ्लूड बेस्ड पजल था 9 3 मार्क्स का, सिलेक्शन बेस्ड पजल था 3 मार्क्स का, सर्कुलर पजल था, डेविएशन बेस्ड पजल था। उसके बाद आ गया देखिए डाटा सफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन एंड मिसलिनियस। अभी देखिए ये जो था ये 7 क्वेश्चंस था, 7 मार्क्स था आउट ऑफ 60। दैट मीन्स बच्चे यहाँ पे नियर बाय 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाना पॉसिबल है, नियर बाय 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पॉसिबल है। ये जो 15 मार्क्स है ये आप कहाँ से लाओगे, किस तरह ढूंढोगे? ये देखिए ना डाटा सफिशिएंसी का 4 है, एक या दो बनाने का कोशिश कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको अगर आप अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ पे आप अच्छा खासा मार्क्स भी ला सकते हो। अगर 5 आ रहा है तो यहाँ से एटलीस्ट 2 ट्राई कीजिए बनाने को। ठीक है, अगर आपसे पजल नहीं बन रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कोडेड इक्वलिटी 2 है, एक बनाने का कोशिश कीजिए। तो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है, इसको आप देखिए, अगर नहीं बन, अगर बहुत बड़ा बन रहा है, तो अगर बड़ा बन रहा है तो इसमें जितना आप सॉल्व कर पाओ, जितना इजीली अवेलेबल है, वो डाटा से एक या दो क्वेश्चंस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर एक भी क्वेश्चंस बनता है तो सही है, अगर मैं ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होता था एक्चुअली। डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन का भी सेम 3 है, एक या दो बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मिसलिनियस 6 है, यहाँ से भी एक या दो। तो चीजें क्या होगा ना कि आपको इस तरह सोचना पड़ेगा, कि आपको इस तरह सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह चीजों को बना पाऊँ। आपको टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं पजिल को 100% सॉल्व करूंगा उसके बाद ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। नो, अगर आप ये थिंकिंग पे जाओगे तो आप क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी पजिल बना रहे हो, अगर मान लीजिए पजल को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ डाटा आपने बना दिया वो इजीली अवेलेबल था, तो अभी आपको देखना है कि वो जो इजीली अवेलेबल डाटा था उससे क्या कोई भी क्वेश्चंस बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसको मार्क कर दीजिए, खत्म, सिंपल थिंग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीजें इस तरह अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और क्या होगा, ये होगा स्मार्टली स्टडी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अभी आप लोग बोलोगे सर प्रिपरेशन कहाँ से करना है, देखिए क्वांट का अगर मैं बात बोलूं, देखिए फर्स्ट तो आपको मॉक लगाना है। कोई भी जो मॉक आपको अच्छा लगता है, जो मॉक आपको अच्छा लगता है उस मॉक को आपको लगाना है। मॉक जब आप लगाओगे तो क्वांट जो सेक्शन होगा, क्वांट सेक्शन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बोलता हूँ, एक बात मैं आपको बोलूंगा, क्वांट में आप जितना भी ध्यान दे दीजिए क्वेश्चंस पेपर वैसा रहेगा ही नहीं, क्या बनने लगेगा। जैसे अगर प्री का ही बात बोलूँ, आप प्री में देख सकते हो क्या, अभी जो बच्चे 15 16 अटेम्प्ट करके आए थे उन बच्चों का कैपेसिटी नहीं था कि 30+ अटेम्प्ट करे, था, लेकिन बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चंस वैसा था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी है लेकिन क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। बहुत बच्चे कहना यह था कि सर मेरा 5 से 6 मिनट बच गया, मैं कुछ क्वेश्चंस बना ही नहीं पाया। सेम टू सेम आपका मेंस में भी यही होता है। ठीक है, आप क्वांट में टाइम दो, मैं ये बोला, ये नहीं बोला कि क्वांट में टाइम मत दीजिए, लेकिन क्वांट में टाइम दीजिए, लेकिन क्वांट का उतना ज्यादा भी टाइम मत दीजिए, क्योंकि आपका रिमेनिंग जो सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, लाइक जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, तो उस सेक्शन में आप कम से कम दे दो। बिकॉज क्वांट में एंड रीजनिंग में
क्वांट में रीजनिंग में मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें टाइम रिड्यूस करें मेंस के लिए, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है उतना ज्यादा ड्यूएबल नहीं होता है, उतना ज्यादा ड्यूएबल नहीं होता है। मतलब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि 120 में से आप यहाँ से अगर 30 भी ला पाते हो, 30 मार्क्स, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। जो आपका क्या होता है 25% भी, 25% होता है, ठीक है, जो 25%, ये 30 लाना भी पॉसिबल नहीं होता। कोई कोई बच्चे या ये जो दो सेक्शन मिला के 20 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, बिकॉज जनरल अवेयरनेस से अगर आप सही तरीके से स्टडी करते हो तो 25+ लाना पॉसिबल है। इंग्लिश में भी 25 लाना पॉसिबल है और डिस्क्रिप्टिव में 20+ लाना पॉसिबल है। तो इसमें अगर आप तीन सेक्शन को अगर थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, इसमें आप ज्यादा इसको ला सकते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इन तीनों सेक्शन को ज्यादा टाइम दीजिए, ना कि आप वो सेक्शन को ज्यादा टाइम दीजिए जिसमें आपको पता है कि मैं जितना भी दे दूं उतना मैं क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा। एक्चुअली डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो बनता नहीं है। अभी आप आशा करता हूँ जो ये जो मैंने सेक्शन सेशन था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वांट एंड रीजनिंग का किस तरीके से किस टेक्टिक से आप लोगों को चलना है, बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग एक टोटली डिफरेंट सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो इस सेक्शन को किस तरह का डील करना है, आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ही ऊपर, जहाँ पे मैं जीए एंड इंग्लिश के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, एंड मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल्स हर चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा और कुछ नया चीज सीखने को मिला तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।